हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम क्लास सिक्स का ये चैप्टर अपना कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर नंबर 5। तो इसमें हमने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर लिया था विनोइंग क्या होता है, सीविंग क्या होता है। अब हम सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन ये सारी प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कि सेडिमेंटेशन क्या होता है ये जानते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेडिमेंटेशन, दैट वॉट इज सेडिमेंटेशन एक्चुअली। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेडिमेंटेशन, तो हम देख सकते हैं कि वेन एवर द हेवियर कॉम्पोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब भी कोई भी हेवियर कॉम्पोनेंट, मतलब कोई एक हेवी कॉम्पोनेंट, कोई एक चीज़ जो भारी होती है, वो सेटल डाउन करता है, नीचे बैठता है किसी भी मिक्सचर में, कब? जब उसमें पानी ऐड किया जाए। मान लो कोई मिक्सचर है, उसमें हमने पानी ऐड किया, तो जो हेवी चीज़ है वो नीचे बैठ गई और हल्की चीज़ पानी में तैरने लगी। तो जो हेवी चीज़ नीचे बैठ रही है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो जो हेवी चीज़ है, जो भारी चीज़ है किसी भी मिक्सचर में, अगर मान लो कोई एक भारी चीज़ है, कोई एक हल्की चीज़ है, और पानी डालने पर अगर भारी चीज़ नीचे बैठ जा रही है पानी में और हल्की चीज़ पानी में घुल मिल जा रही है, तो जो चीज़ भारी चीज़ जो नीचे बैठ रही है, नीचे जो सेटल डाउन हो रही है, नीचे जो सेटल डाउन हो रही है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जब वाटर को हम मान लीजिए डस्ट पार्टिकल उसके साथ है, उसको हम निकाल देते हैं, और एक चीज़ नीचे बैठ गई है, तो जब ऊपर से हम वाटर को निकाल दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकैंटेशन। मान लीजिए यही मिक्सचर था ऊपर वाला, ये ठीक है, तो सेडिमेंटेशन हुआ, नीचे कोई चीज़ बैठ गई, पानी के साथ मान लो जो दूसरी चीज़ थी, डस्ट थी, वो पूरी पानी में घुल मिल गई। तो हमने क्या किया, एक चीज़ तो नीचे बैठ गई है, दूसरी चीज़ जो पानी है, पानी के साथ जो डस्ट घुल मिल गया, उसको हमने धीरे से पानी को निकाल लिया, तो वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिकैंटेशन, ठीक है। तो ये हो गया डिकैंटेशन। अब बोल रहा है कि हम पता करेंगे कि क्या और भी मिक्सचर्स हैं जो सेपरेट हो सकते हैं सेडिमेंटेशन या डिकैंटेशन के द्वारा। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं भैया, आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें आप सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भाई कौन सी चीज़ नीचे बैठ जा रही है, तो ऊपर से आपने गंदी चीज़ को धीरे से गिरा दिया, ठीक है, पानी को धीरे से निकाल लिया। तो देखिए यहाँ भी बोल रहा है कि द सेम प्रिंसिपल इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे तेल और पानी है, तो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स नहीं होते हैं, उनको अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। यही प्रिंसिपल होता है इसमें भी, मतलब दो चीज़ें हैं वो मिक्स नहीं हो रही हैं, अगर तो ऊपर से जो चीज़ मिक्स नहीं हुई है, ऊपर से उसको धीरे से आप निकाल लीजिए, तो नीचे वो चीज़ बच जाएगी जो आपको अलग करनी है, और ऊपर से एक चीज़ है वो भी अलग हो जाएगी, तो दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए ऑयल एंड वाटर, मैंने आपको पहले बता दिया था, तेल और पानी, ये दोनों आपने लिया, इनको अगर मिक्सचर से अलग करना है तो सेपरेट कर सकते हो इसी प्रोसेस के द्वारा, डिकैंटेशन के द्वारा, है ना। फिर बोल रहा है कि इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर इस तरह के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए हम उसको रोक दें, स्टैंड कर दें, मतलब थोड़ी देर के लिए उसको स्थिर छोड़ दें, उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, तो क्या होगा, उसमें दो सेपरेट लेयर्स बन जाएंगे। जैसे मान लो ये ग्लास है, तो मान लो यहाँ तक पानी होगा और फिर यहाँ से ऊपर तेल हो जाएगा, तो दो सेपरेट लेयर्स बन जाएंगे, एक पानी की ऐसे वाली और ये एक तेल, ठीक है। द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन, तो जो कॉम्पोनेंट यानी कि जो चीज़, मान लीजिए तेल और पानी दोनों हैं, तो जो चीज़ ऊपर पे होगा, जो टॉप लेयर में होगा, जो ऊपर होगा, जो टॉप लेयर बना रहा होगा, ठीक है, उस कॉम्पोनेंट को हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, कैसे, बाय डिकैंटेशन। तो उस कंपोनेंट को हम सेपरेट कर लेंगे बाय डिकैंटेशन, ठीक है। तो डिकैंटेशन मतलब ही होता है कि ऊपर से एक टॉप लेयर को अलग कर देना किसी लिक्विड में से, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बनाएंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जैसे आप देखिए चाय बनाते हैं, तो क्या रिमूव करते हैं आप, टी लीव्स को आप रिमूव कर देते हैं, आप छन्नी से इसको छान देते हैं, तो डिकैंटेशन करने की भी कोशिश कीजिए।
इससे भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि देखो चाय पत्ती जो होती है वो नीचे बैठी रहती है चाय में, ऐसा तो नहीं कि पूरी घूमती रहती है। अगर आप धीरे धीरे ऊपर से चाय निकालेंगे तो चाय भी उसमें सलग हो जाएगी और चाय पत्ती नीचे रह जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पत्तियाँ उसमें आ जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेनर से करते हैं, स्ट्रेनर मतलब छननी से छानते हैं। तो यहाँ देखो दिखा रहा है ना, सेपरेशन ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें कुछ काली काली बैठी हुई है ना, तो इसमें जो भी चीज़ें थी वो कुछ चीज़ें यहाँ पर नीचे आके सेटल डाउन हो गई और कुछ चीज़ें इस पानी में मिल गई। तो आपने क्या किया, धीरे से आपने ऊपर से पानी को निकाल लिया और यहाँ जो चीज़ें नीचे बची हैं वो बची रह जाएंगी। तो ये डिकेंटेशन हो गया, यहाँ से आपने इसमें से इसको निकाल लिया तो ये डिकेंटेशन है और ये सेडिमेंटेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है और इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये डिकेंटेशन कर रहे हैं। तो ये होता है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब कि एक लिक्विड जो ऊपर है उसको ऊपर से धीरे से निकाल लो और नीचे एक चीज़ कॉम्पोनेंट बैठा रहेगा वो अलग हो जाएगा, उसमें लिक्विड हो सॉलिड हो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रोसेस, मतलब ऊपर से आपने एक चीज़ निकाल लिया और एक चीज़ नीचे बैठी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है कि देखिए, जैसे आप चाय पत्ती की बात कर रहे थे, तो चाय पत्ती क्या होता है, चाय वाले केस में क्या होता है, चाय पत्ती उस छन्नी में रह जाती है, स्ट्रेनर में रह जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब हम किसी चीज़ को छानते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। जैसे मान लीजिए चाय ही देखिए कॉमन सा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं चाय आप बनाते हैं, चाय को आप छन्नी से छानते हैं, तो वही हो गया फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर करना किसी चीज़ को। तो अब देखिए बोला, लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज, ठीक है। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हमें हमेशा साफ पानी मिलता है पीने के लिए? नहीं, कभी कभी गंदा पानी भी आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, वाटर सप्लाई में टैप में कुछ ना कुछ मिट्टी या मडी वाटर आता है, ठीक है। जैसे देखिए बोलो ना, मडी वाटर आता है, थोड़ा बहुत मिट्टी वाला पानी आ जाता है कभी कभी। तो हम क्या करते हैं, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी। जैसे मान लीजिए कभी कभी टैप में आपको गंदा पानी मिल जाता है, या मान लीजिए आप कहीं पॉन्ड से, रिवर से, किसी तालाब से, किसी नदी से पानी लाए हैं, तो वो भी कई बार मडी होता है, जैसे रेन के टाइम में, स्पेशली बारिश के टाइम में। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। तो क्या होती है, जैसे मिट्टी है वो सॉल्युबल, जो मिट्टी उसमें होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और फिर ऊपर से हम साफ पानी निकाल लेते हैं। ऐसा ही होता है ना, जैसे गंदा पानी दो चार घंटे के लिए या रात भर के लिए रख दो, तो उसके जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होते हैं। तो क्या हो रहा है वहाँ पे, सेडिमेंटेशन हो रहा है, फिर ऊपर से हम साफ पानी निकाल लेते हैं तो डिकेंटेशन हो रहा है। तो आपने देखा कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, ठीक है। अब देखिए, एक एक्टिविटी करने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, कुछ मडी वाटर लो एक पॉन्ड से या रिवर से, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कुछ ना कुछ सॉइल आप एक ग्लास के पानी में मिला दो, ठीक है, साफ पानी लो उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दो, उसको फिर कुछ घंटों के लिए रख दो ऐसे ही, फिर आप ध्यान से देखना पानी को केयरफुली, तो क्या पाएंगे आप देखेंगे कुछ सॉइल जो है ग्लास में नीचे जाके बैठ गई, नीचे सेटल डाउन हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन हुआ है। अब फिर क्या होता है, स्लाइटली हम धीरे से ग्लास को टेढ़ा करके धीरे से ऊपर से पानी हम निकाल लेते हैं, फिर धीरे ग्लास में निकाल लिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। भाई जब मिट्टी जो है धीरे धीरे नीचे बैठ रही है उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, और ऊपर से हमने एक ग्लास से दूसरे ग्लास में फिर उस पानी को, साफ पानी को निकाल लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंट और डिकेंटेशन ही आपको खास करके समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरे ग्लास में देखिए पानी हमको लगभग लगभग साफ मिल जाता है, ये भी कर लिया। अगर फिर भी साफ नहीं है, मान लो थोड़ा बहुत गंदा लगा, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं उसको। जैसे अक्सर आपने घर में देखा होगा, मान लो पानी में कोई गंदगी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, पानी को साफ करने के लिए एक पीस ऑफ पेपर, मतलब पीस ऑफ क्लॉथ लेते हैं, छोटे से कपड़े का टुकड़ा लेंगे, फिर उससे हम पानी को अगर छानेंगे तो मिट्टी उसी कपड़े में रुक जाती है और हमें साफ पानी मिल जाता है। ऐसा होता है ना घर में कई बार, भाई देखिए गंदा पानी आता है तो हम पानी को कपड़े से फिल्टर करते हैं, तो ये भी फिल्ट्रेशन होगा। देखिए सेडिमेंटेशन भी कर लिया, डिकेंटेशन भी कर लिया और हमने फिल्ट्रेशन भी कर लिया। तो हम क्या करते हैं, पानी को कपड़े से भी, पीस ऑफ क्लोथ से भी हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है।
तो कपड़ा क्या कर रहा है, एक फिल्टर की तरह यूज़ कर रहा है जिसमें से पानी पास हो जाता है लेकिन मड पार्टिकल्स या कोई इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं वो रुक जाती हैं। तो अगर मान लो कपड़े से भी करने की बात भी हो रहा है, पानी फिर भी मान लो अगर गंदा है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, उसको आप फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन आपने सिंपली जान लिया क्या होता है, सेडिमेंटेशन जान लिया आपने क्या होता है, डिकैंटेशन आपने जान लिया क्या होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपने जान ली बहुत ही अच्छे से। तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा और समझेंगे कि क्या है फिल्टर पेपर, क्या होता है फिल्ट्रेशन, क्या होता है इवेपोरेशन, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए मैं कम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बहुत स्लो पढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको स्लो कर रहा हूँ, और ताकि आप आसानी से इसको कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा चीटिंग वीटिंग ना करनी पड़े। आप अच्छे से ईमानदारी से पूरा अच्छे से पढ़ें, समझें, लिखें चीज़ों को, एक एक लाइन, एक एक शब्द को समझें, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें और अच्छे से पढ़ें, और जो ना समझ में आए पूछें। वीडियो को पूरा देखा करो। देखिए मैं 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का हार्डली वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो पूरा देखो, अच्छे से देखो, एक एक लाइन समझो, एक एक शब्द को समझो, अच्छे से पूरा समझो, लिखो, पढ़ो, याद करो, जो नहीं समझ में आता है पूछो। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सिर्फ लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, तो अच्छे से पढ़ना भी है और समझना भी है। तो हमने ये एक पेज पूरा डिस्कस किया है, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।